जय माता दी मित्रों स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सपनों के महत्व कार्यक्रम में मैं पंडित बीएन शास्त्री और अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो Today के माध्यम से आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ कि सपनों का क्या महत्व होता है हमारे जीवन पर क्योंकि सपनों में हम जो चीज़ें देखते हैं वो चीज़ें भविष्य में सच होती हैं या भूतकाल में सच हो चुकी होती हैं वही चीज़ें हम सपनों में देखते हैं सपनों में जो हम चीज़ें देखते हैं वो जो स्थिति होती है अवस्था होती है वो अवस्था होती है एक तो अवस्था होती है जब गहरी नींद होती है एक हल्की नींद और इन दोनों के अवस्थाओं के बीच की जो नींद होती है अवस्था होती है जिसमें हम ना सोए होते ना जगे होते उस अवस्था में देखे गए सपने या सुबह के समय देखे गए सपने हमारे लिए भविष्य की जानकारी लेकर आते हैं भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें बताते हैं पर कई बार हम वो चीज़ें भूल जाते हैं या हम लोगों को उन सपनों का अर्थ मालूम नहीं होता इसलिए हमें परेशानी भविष्य में देखने को मिलती है तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्राकृतिक के सपने अगर आपको प्राकृतिक के सपने आते हैं प्राकृतिक यानी आपको बादल तारे आसमान पत्थर पहाड़ झरने नजर आए तो उनका क्या अर्थ होता है किस स्थिति में नज़र आ रहे हैं उनका क्या अर्थ होता है क्योंकि चीज़ों के साथ उनकी स्थिति रूप रंग भी डिपेंड करता है सपनों में कि उनकी स्थिति क्या बनती है आपके जीवन पर उन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है चलिए तो हम बात करते हैं प्राकृतिक के देखे गए सपनों के बारे में प्राकृतिक से संबंधित आपको सपने नजर आते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है नदी इसका दिखना मतलब आपके सपने पूरे होने वाले हैं जो आपने सोचा है वो साकार होने वाला है बिजली गिरते हुए देखना इसका मतलब है आप किसी भी संकट में फंस सकते हैं आसमान इसका मतलब है आपका बेटा हो सकता है इंद्रधनुष इसका मतलब है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बादल सपने में बादल दिखना एक साधारण बात है लेकिन अगर काले बादल दिखाई देते हैं तो भविष्य में संकट आ सकता है बादल के साथ साथ अगर आपको बारिश भी दिखाई देती है तो ये अच्छा संकेत है तारे इसका दिखना अच्छा होता है इसका मतलब है कि आपके दिल की मनोकामना जल्दी ही पूरी होने वाली है सपनों में पूरे तारामंडल को देखना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है पत्थर ये अशुभ संकेत है ये आने वाली विपत्ति संकट का संकेत है पहाड़ इसका दिखना अच्छा होता है आपके जीवन में आप उन्नति ही उन्नति पाएंगे बर्फ इसका मतलब है आप जल्दी ही अपने किसी प्रिय से मिलने वाले हैं गार्डन इसका मतलब है आपको सुख की प्राप्ति होगी आम का पेड़ इसका मतलब है आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है जड़ें इससे आपकी दीर्घायु प्राप्त होती है चंद्रमा आने वाले समय में आपका सम्मान बढ़ाएगा झरना आपको दुखों का अंत होने वाला है धूप आपका प्रमोशन होने वाला है बिजली गिरते हुए देखना आप किसी संकट में पड़ने वाले हैं कमल का फूल सभी रोगों में से छुटकारा मिलने जाएगा कुआ समाज में सम्मान बढ़ेगा शहद आपकी जिंदगी में अनुकूलता आएगी कोयला स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तालाब दुश्मन से हार का सामना करना पड़ेगा सफ़ेद फूल सपने में सफ़ेद फूल का दिखना मतलब किसी समस्या से छुटकारा मिलने वाला है लाल फूल इसका मतलब है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है आपका भाग्य उदय होने वाला है कोयला आप किसी दूसरे के झगड़े में फंसने वाले हैं घास मैदान में घास का दिखने का मतलब है धन की प्राप्ति होगी गोबर मवेशियों का व्यापार करने करेंगे तो लाभ मिलेगा बाढ़ आपके व्यापार में हानि हो सकती है तो ये वो सपने हैं जो प्राकृतिक से संबंधित हम लोग देखते हैं अक्सर हमें रात में गहरी नींद अवस्था में ये सपने दिखाई देते हैं पर हम इन सपनों के बारे में इनका अर्थ नहीं जानते तो हम इन सपनों को अक्सर सुबह उठकर भूल जाते हैं जबकि इन सपनों के माध्यम से हमें पता चलता है कि आने वाले समय हमारा कैसा रहने वाला है चलिए तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई चीज़ों के साथ ओम नमः शिवाय